Assalamu alaikum and hi everyone, this is Suhaib and in this lecture we are going to discuss the different characteristics or the feature of the computer system. Let's start. Number one, speed. Typically a computer can carry out 3 to 4 million instructions per second. Okay, अब इसकी explanation क्या है, हम जो जो feature या जो जो characteristics देखते जाएंगे उसकी explanation में भी चलते जाएंगे. नंबर वन पे हमने देखा स्पीड. स्पीड का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि द अबिलिटी टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल विद द अमेजिंग स्पीड. अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में आप लोगों को सबको पता लग गया होगा क्योंकि हमारा लास्ट वाला लेक्चर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में था. अब वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में जितने भी स्टेप या जितने भी कंपोनेंट होते थे वो बड़ी स्पीड में परफॉर्म कर रहा होता है. लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम उसको इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद आउटपुट लेते हैं, तो वो अमेजिंग स्पीड, हमने कहा द अबिलिटी टू परफॉर्म इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल विद द अमेजिंग स्पीड, वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ काम कर रहा होता है. अब कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में स्पीड को किस तरह डिफाइन किया जाता है, हम कहते हैं कि कोई भी टास्क या कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको स्पीड कहते हैं. क्यों, स्पीड का क्या मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जाके काम करता है, एक सेकंड के कितने हिस्से में जाके काम कर रहा होता है, और कुछ कंप्यूटर्स तो नैनो और माइक्रो सेकंड्स में काम कर रहे होते हैं. होप सो स्पीड की आप लोगों को समझ लग गई होगी. अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में क्या कह रहा है, कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी. और नेक्स्ट वन, एरर में अकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी. इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर सिस्टम को हम जितना मर्जी लार्ज नंबर ऑफ डेटा दे लें उसमें एरर होने के चांसेस एज कंपेयर टू ह्यूमन बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है उसके एरर कंप्यूटर सिस्टम तब भी आएगा, कंप्यूटर सिस्टम में एरर तब भी आएंगे जब हम उसको रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग डेटा देंगे, जिसको कंप्यूटर सिस्टम की टर्म में गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा गया है. कि अगर हम या ह्यूमन या यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन रॉन्ग या इनपुट रॉन्ग या डेटा रॉन्ग दे रहा है, जहां पे राइट देना चाहिए था रॉन्ग दे रहा है, तो अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा इनकंसिस्टेंस होगा या उसकी एक्यूरेसी भी कम होगी, वो वहां पे भी एरर अकर होगा. क्यों होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट पे जहां पे डेटा देना था वहां पे रॉन्ग डेटा दे दिया. नेक्स्ट वन हम देखते हैं रिलायबिलिटी. कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट सेम टाइप ऑफ वर्क रिपीटेडली विदाउट थ्रोइंग अप एरर्स ड्यू टू टायर्डनेस और बॉर्डम. ये जो कंप्यूटर सिस्टम ना, ये बड़ा रिलायबल है, ये मशीन बड़ी रिलायबल है. रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि लो फेलियर रेट, कि कंप्यूटर एक काम जहां, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं, यहां पे रिपीटेडली का वर्ड यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर को हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा या सिमिलर टाइप ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन देंगे ना, तो उसकी एक्यूरेसी और स्पीड सेम ही रहेगी जैसी वो स्पीड हम वेरी फर्स्ट टाइम करने से हमें मिली थी. लेट्स सपोज अगर हम एक काम, एक कैलकुलेशन, एक टास्क 100 टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम को दें या कंप्यूटर मशीन को दें, तो उसकी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी वो जो फर्स्ट टाइम आई थी 100 टाइम पे भी वो ही आएगी अगर हम सेम टाइप ऑफ इनपुट या सेम टाइप ऑफ डेटा उसे अगेन एंड अगेन देंगे, उसका रिजल्ट सेम रहेगा. एज कंपेयर टू अगर हम ह्यूमन या यूजर की बात करें, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर को अगर कोई ह्यूमन को अगर हम कोई काम देते हैं तो वो फर्स्ट टाइम ठीक कर देता है, सेकंड टाइम ठीक कर देता है. अगर हम उसको 10th या 100 टाइम पे जाके देंगे ना, वहां पे वो उस काम के साथ बोर हो जाएगा या टायर्ड हो जाएगा कि एक काम वो अगेन एंड अगेन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके जो एरर होने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे. नेक्स्ट वन पे हम देखते हैं वर्सटिलिटी. वर्सटिलिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर to perform different kind of works with the same accuracy and same efficiency. अब computer ना जो काम करता है ये wide range पे जाके काम करता है. wide range of work का क्या मतलब है, कि ये सिर्फ इसको एक काम दे तो एक ही नहीं करता, बल्कि हम अगला काम पहले वाली काम से different करके दें तो वो फिर भी कर रहा होता है. mean to say computer ये वाली जो वर्सटिलिटी हमारे पास फीचर है या करेक्टिसिज है ना, ये बड़ी वंडरफुल करेक्टिसिज है. उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को मोर देन वन टास्क या मोर देन वन कैलकुलेशन एट द सेम टाइम पे दें,
तो वो कैलकुलेशन सेम स्पीड, सेम एक्यूरेसी और सेम एफिशिएंसी के साथ कर रहा होता है. लेट्स सपोज अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में हम अभी डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, वेरी नेक्स्ट टाइम हम उस पर प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, वेरी नेक्स्ट टाइम हम उस पर कोई कैलकुलेशन पे काम करने लग पड़ेंगे. अगर हम इसी तरह बैंक पे या हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे कोई पेशेंट जाता और लॉग इन और लॉग आउट कर सकता है. एट द सेम टाइम किसी और पोर्टल पे डॉक्टर बैठा होगा, कोई मेडिकल ऑफिसर बैठा होगा, वो वहाँ पे लॉगिन करके बैठा होगा. तो वर्सेटिलिटी का क्या मतलब है, सेम टाइम पे हमारे पास कंप्यूटर सेम जगह पे बेशक कह सकते हो डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट काम को परफॉर्म कर रहा होता है. नेक्स्ट वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोरेज. कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ दी फाइल. इसका क्या मतलब है, जो कंप्यूटर है ना ये वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ या वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है. बजाय इसके हम हिस्ट्री में जाएं तो जो सबसे पहले हमारे पास हार्ड डिस्क, या अगर हम हार्ड डिस्क को छोड़ें हम अगर यूएसबी या फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव की बात करें ना, तो वो भी हमारे पूरे पूरे रूम के स्पेस को एलोकेट कर रही होती थी. बट हमारे पास अभी लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा छोटी छोटी चिप या छोटी छोटी डिवाइसेस के अंदर परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस और सबसीक्वेंट यूज के लिए. और आजकल के दौर में ना जो कंप्यूटर है ना इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और हमारे पास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हो गए. लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हम कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव, कोई पेन ड्राइव, कोई उसके अलावा फ्लैश, कोई उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. सो इन करेक्टिसज और इन फीचर को देखते हुए हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी निकलते हैं, सामने आते हैं, वो हम देख लेते हैं. जो नंबर वन पे एडवांटेज है ना वो ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो बोर नहीं होता या टायर्डनेस उसमें नहीं आती. उसकी रीज़न ये है वो मशीन है और मशीन कभी बोर नहीं हो सकती. बजाय इसके अगर हम ह्यूमन की बात करें, वो कोई टास्क, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही होगी, कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर के बाद जाके वो बोर हो जाएगी, उसको कुछ रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए होगा. और जो सेकंड एडवांटेज आता है ना सामने, उस वो एडवांटेज ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है जब से ये आया है इसने इंसानों की, ह्यूमन की नीड को ख़त्म कर दिया है. जो काम पहले इंसान कोई ह्यूमन आवर्स एंड आवर या डे बाय डे कर रहा होता था वो अब कंप्यूटर कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है. उसके बाद ये एडवांटेज थर्ड वाला ये है कि कंप्यूटर एक टास्क को रिपीट करते हुए रैपिडली अगेन एंड अगेन भी परफॉर्म करें ना तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो स्पीड है वो सेम रहेगी, क्योंकि हमने पहले देखा वो बोर नहीं होगा. और इस तरह दूसरी तरफ देखेंगे कि वो अगर अगेन एंड अगेन रिपीट भी करेगा ना उसकी एक्यूरेसी सेम रहेगी. नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो ये है कि इस कंप्यूटर में ना इंटेलिजेंस नहीं है. इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन को दे लेगा वही इंस्ट्रक्शन को देखते हुए अपना काम परफॉर्म कर रहा होगा. कंप्यूटर में कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, जैसा कि हम ह्यूमन हैं हम कोई क्रिएटिव थिंग, कोई क्रिएटिव आर्ट, कोई काम कर सकते हैं. कंप्यूटर वो ही कुछ करेगा जो इंस्ट्रक्शन हम उसको परफॉर्म कर रहे होंगे. नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि कोई कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर पे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें ट्रेंड पीपल या ट्रेंड यूज़र चाहिए होगा जो कोई कोई काम कर पाए, जो काम हम उसको देंगे. थर्ड वन ये है कि कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत है. लेट्स सपोज अगर आप सोच रहे होंगे कि जो लैपटॉप है उसको पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप की भी कुछ बैटरी की कुछ लाइफ होगी. उसकी लाइफ के बाद वो क्या हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा, उसकी बैटरी डाई हो जाएगी, फिर से उसको पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी. तो कंप्यूटर पे भी काम करने के लिए हमें पावर सप्लाई की, लैपटॉप पे भी काम करने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है. सो होप सो आप लोगों को यह टॉपिक मज़े का लगा होगा, यह टॉपिक समझ आया होगा. अगर इस टॉपिक में आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट में इसको डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.